हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुशल बरनवाल और आज सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स उस दिन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो सीरीज चल रहा है अभी बीएससी मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन चालू किए हैं। और आपको जब अगर पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको अवश्य देखें और अगर आप तब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि पहले लेक्चर में आप लोग क्या पढ़े हैं या क्या पढ़ाया गया है और क्या सेकंड लेक्चर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है, किस फॉर्म का होता है और उसका ऑर्डर कैसे देखेंगे, डिग्री कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे डिग्री डिफाइन है कि नहीं। उसके बाद देखें कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है और कौन कौन से फॉर्म होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो बिना देरी किए आज के वीडियो चालू करते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री होगा। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री तो लिखा गया है, देख रहे हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटन एज, कैसा? तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कौन सा फॉर्म? तो ये फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, किसको? यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को। और कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को? तो ध्यान देंगे, ये लिखा गया फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अगर इस टाइप का होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां देखेंगे एम और एन क्या है, तो लिखा गया कि वेयर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। कहने का मतलब ये कि जो m और n है, यहां पर ये m और ये n, यह क्या होगा, या तो x और y का फंक्शन होगा या फिर क्या होगा, वह आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होगा, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए, उसके बाद बात आता है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं या उस फॉर्म में अगर दिया हो तो उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो वहीं लिखा गया, देख सकते हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि उसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो ये तो सही है कि हम लोग देखेंगे क्या क्या मेथड्स हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से सॉल्वेबल फॉर्म हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आप यहां देखें, लिखा हुआ है डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ, देख रहे हैं यहां से लिखा गया है फॉर्म्स ऑफ सॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये कुछ ऐसे फॉर्म हैं जिसका सोल्यूशन होगा और कैसे सोल्यूशन होगा हम लोग वन बाई वन करके वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म है। अब देख रहे हैं, जो पहला फॉर्म है वह है वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि यहां से आप वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, यानी एक्स वाला टर्म को एक तरफ, वाई वाला टर्म को एक तरफ कर सकते हैं, तो वेरिएबल अलग अलग हो गया। दूसरा क्या है, रिड्यूसिबल इनटू सेपरेबल वेरिएबल, यानी कि अगर आप वेरिएबल सेपरेबल देख लिए तो कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है, यानी कि वेरिएबल अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, यानी एक्स वाला टर्म अलग और वाई वाला टर्म अलग नहीं है, बट आप उसमें कुछ यूज करके या उसको एक दो स्टेप बढ़ा करके आप उसको उसमें चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो दूसरा है क्या है, रिड्यूसिबल इंटू सेपरेबल वेरिएबल। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए, तीसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो चलेगा, एक लेक्चर चलेगा। चौथा क्या है, रिड्यूसिबल इंटू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल इसी पर बेस्ड है, कौन सा, रिड्यूसिबल इंटू सेपरेबल वेरिएबल, ठीक है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल में इसको रिड्यूस किया जाएगा। फिर ऐसे ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसको रिड्यूस किया जाएगा, तो नॉन होमोजीनियस, इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम बोलते हैं क्या, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं किसमें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको रिड्यूस करते हैं। और जो पांचवा फॉर्म है कौन सा फॉर्म है, वह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसके बाद छठा है वो क्या है, रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस फॉर्म में जो भी होगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको रिड्यूस करेंगे। और जो सातवा है वह क्या, देखिए वह है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देख लीजिए आप क्या कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। और अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि इस फर्स्ट को, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन से पहले देखते हैं इसे कॉन्सेप्ट को, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म होगा वह देखिए यहां पर लिखा गया है, वह है एफ वन एक्स डी एक्स प्लस एफ टू वाई
dy इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म का अगर कोई होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि देख रहे हैं आप यहां से कि x के साथ x वाला टर्म और y यानी कि dy के साथ y वाला टर्म, अगर ऐसे होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से। देख लिखा गया है कि इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म, यानी उसको हम अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन वी से दैट वेरिएबल्स आर सेपरेबल। जो वेरिएबल है क्या है, सेपरेबल है, यानी कि वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। देख रहे हैं x वाला टर्म अलग है, y वाला टर्म अलग है। अब आता है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल जब भी होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो देख रहे हैं अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में आ गया तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड और दो तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये रहा सेपरेबल वेरिएबल, यानी वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को। वेरिएबल सेपरेबल पर ये पहला एग्जांपल देख रहे हैं, लिखा हुआ है, लिखा गया कि सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू e पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर इंटू e पावर y। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और ये क्या है, dy बाय dx इक्वल टू e पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर इंटू e पावर y। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए आगे dy बाय dx, यहाँ पर e पावर x प्लस y, इसको लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर y प्लस यहाँ से x स्क्वायर इंटू e के पावर y। इसके बाद देखते हैं dy बाय dx इक्वल टू, दोनों में से आप e का पावर y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e का पावर x प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इस dx से हम लोग इधर इधर लेकर के आते हैं और इस ey को इधर बटा मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये dy बाय e का पावर y हो जाएगा इक्वल टू e का पावर x प्लस x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा क्या, dx। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से x वाला टर्म एक तरफ और y वाला टर्म एक तरफ हो गया है, यानी वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, e का पावर वाई है, इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन। तो इसको क्या करते हैं हम लोग अलग अलग, यानी कि e का पावर x dx प्लस x स्क्वायर और ये dx, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस वाई और ये माइनस इक्वल टू इसका हो जाएगा e का पावर x प्लस और ये हो जाएगा x का पावर 3 बाई 3, x का पावर 3 बाई 3 और ये हो जाएगा प्लस k या c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहां से देखिए इसको हम लोग इधर लेकर के आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस वाई प्लस x का पावर 3 बाई 3 प्लस k इक्वल टू जीरो, और ये रहा हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। अब इसी पर बेस्ट देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल देखिए, जो दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर टू, ये एग्जांपल नंबर वन था। जो सेकंड नंबर एग्जांपल है उसको देखिए, वो है लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स, लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है। ठीक है, ध्यान देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर इसको भी लिखते हैं, गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और क्या दिया गया है, तो लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पर इसका जो बेस है वो क्या है, e है, कैलकुलस में बेस क्या लिया जाता है, e लिया जाता है अगर कुछ नहीं है तो। अब यहाँ से इसको लॉग हटाएंगे तो आपको पता होगा, अगर ये a पावर x इक्वल टू ऐसे हो, अगर ये लॉग यहाँ पर है a पावर b इक्वल टू n है, जैसे ही लॉग हटता है तो ये पावर से रिप्लेस हो जाता है, यानी a पावर n इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉग हटाएंगे तो e का पावर में हो जाएगा कितना, a पावर x, e का पावर में क्या हो जाएगा, a पावर x प्लस बी वाई इक्वल टू डी वाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर बी वाई इक्वल टू ये dy वाई बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा e का पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई और ये e का पावर बी वाई, इधर गुणा में इधर है तो भाग में, तो e का पावर ये हो जाएगा बी वाई, ये क्या हो जाएगा e का पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ये ऊपर जाएगा, इसको पहले इंटीग्रेट नहीं करते हैं, e का पावर क्या हो जाएगा माइनस ये बी वाई और ये हो जाएगा डी वाई। अब ध्यान देखिए फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, एक्स वाला टर्म एक तरफ वाई वाला टर्म एक तरफ, तो फिर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग
ऑन बोथ साइड्स, और फिर इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा e का पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस बी वाई डी वाई ऐसे, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लीजिए यहां से, तो ये e का पावर ए एक्स, इसे क्या हो जाएगा, तो e का पावर ए एक्स, और x में a से मल्टीप्लाई है इसीलिए ये डिवाइड कर देगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा e का पावर माइनस बी वाई, और y में माइनस बी से मल्टीप्लाई इसलिए हो जाएगा बटा में माइनस बी, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से c लिखिए या फिर क्या लिखिए k लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, अब ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा ये e का पावर ए एक्स बाई ए प्लस यहाँ हो जाएगा e का पावर माइनस बी वाई बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये माइनस में है इधर, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचा इक्वल टू सी एंड दिस इज एंसर। तो ये रहा वेरिएबल से पेपर पर बेस्ट सेकंड एग्जांपल, अब देखते हैं इस पर बेस्ट थर्ड एग्जांपल को, तो एग्जांपल नंबर तीन देख रहे हैं, लिखा गया है सॉल्व वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो लिखते हैं सोल्यूशन और लिखेंगे गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन इच, और ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब भी अगर डी एक्स देख रहे हैं डी एक्स एक से ज़्यादा जगह आ गया या डी वाई एक से ज़्यादा जगह रहा है, तो जब भी आपको देखना होगा कि सेपरेबल वेरिएबल है कि नहीं, यानी वेरिएबल सेपरेबल, तो क्या कीजिए डी एक्स वाला टर्न को एक तरफ और डी वाई वाला टर्न को एक तरफ करके देखिए। तो हम लोग यहाँ पर यही काम करते हैं, यहाँ क्या है वाई डी एक्स, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स y और ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू इधर हो जाएगा x डी एक्स, एक्स डी वाई हो जाएगा इधर। अब यहां ध्यान देंगे, अगर आप देखेंगे तो इस दोनों में से कुछ कमन आ जाएगा, क्या कमन आएगा y डी एक्स, क्या कमन आएगा y और इधर हो जाएगा डी एक्स, तो इसके साथ क्या बचेगा वन माइनस एक्स बचेगा, दोनों में से डी एक्स भी कमन आ गया और दोनों में से y कमन आ गया, तो क्या बचेगा वन माइनस एक्स, यहां से क्या ये एक्स डी वाई। अब यहां देखिए क्या y वाले टर्म के तरफ यानी डी वाई के तरफ y वाला टर्म भेज सकते हैं और डी एक्स के तरफ x वाला टर्म को भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स बाई एक्स और ये डी एक्स और ये y गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई वाई। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से क्या कि x वाला टर्म एक तरफ और y वाला टर्म एक तरफ हो गया है, मतलब क्या कि यहाँ पर सेपरेबल वेरिएबल हो चुका है, यानी वेरिएबल का सेपरेशन हो चुका है। अब क्या बोलेंगे हम लोग, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और इसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जैसे इसको लोग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा वन, और ये डी एक्स इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं वन बाई वाई और ये डी वाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से अलग अलग, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा ये डी एक्स आएगा डी एक्स इक्वल टू और ये कह रहा है वन बाई वाई ये डी वाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस इसका कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग वाई और इधर प्लस में क्या आएगा सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, फिर यहाँ से लॉग वाला टर्म जो भी है उसको एक तरफ कीजिए, इधर ला रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग एक्स माइनस लॉग वाई और जो ये माइनस में एक्स है इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा सी प्लस एक्स। अब यहाँ से एक फॉर्मूला यूज कीजिए, कौन सा फॉर्मूला, तो आपको यहाँ लिख के बताते हैं, फॉर्मूला यूज होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला क्या होता है लॉग ए बाई बी, ये फॉर्मूला यूज होता है, तो यह फॉर्मूला हमको यहाँ यूज करना है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू कितना लॉग एक्स बाई वाई, तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, और अभी आपको बताए हैं कि इसमें यहाँ पर लॉग में बेस कुछ नहीं है, यहाँ पर लॉग के साथ तो क्या है ई है, क्या है बेस ई, फिर यहाँ से क्या करेंगे लॉग हटाएंगे तो ये जो एक्स बाई वाई है उससे ये रिप्लेस कर लेगा, तो क्या हो जाएगा ई का पावर सी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई, ऐसे हो जाएगा। अभी बताइए क्या ये जो ई का पावर सी है इन टू क्या ई का पावर एक्स लिख सकते हैं, ई का पावर सी प्लस एक्स को लिख सकते हैं ई का पावर सी इन टू ई का पावर एक्स इक्वल टू कितना ये हो जाएगा एक्स बाई वाई, और ये बताइए सी क्या है कॉन्स्टेंट है, ई भी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो जो ई का पावर सी होगा ये भी क्या होगा एक कॉन्स्टेंट ही होगा, तो इस पूरे में जब हम क्या करते हैं ई पावर सी की जगह एक नया कॉन्स्टेंट लेते हैं क्या के, तो ये हो जाएगा के इन टू ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई।
ऐसे हो जाएगा यहाँ से। अब बताइए ये वाई जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू के वाई और ये ई पावर एक्स एंड दिस इज एंसर। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर थ्री। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर। देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर हम लोग देख रहे हैं, यहां देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर फोर सॉल्व, और लिखा गया है एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। देखिए स्टूडेंट्स ये जो देख रहे हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह क्या है हम लोगों को देखना है कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसको, लिखेंगे क्या कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और क्या हो जाएगा यहाँ से x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। देखते हैं कि y वाला टर्म अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखिए ये डी एक्स को एक तरफ वाला टर्म को एक तरफ और डी वाई वाला टर्म को एक तरफ। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स जब भी आपको चेक करना हो कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं तो डी एक्स वाला को एक तरफ कीजिए डी वाई वाला टर्म को एक तरफ। तो पहले ऐसा कीजिए x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो गया डी वाई। अब यहाँ से क्या कीजिए डी वाई की तरफ वाई वाला टर्म को भेजिए और डी एक्स की तरफ एक्स वाला टर्म को। तो यहाँ पर क्या है एक्स और इधर क्या है एक्स वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ गुणा में है तो यहाँ तो भाग में आएगा और ये क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस तो रखिए यहाँ पर, ये क्या है वाई बट्टा ये क्या है वन प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया डी वाई। यहाँ से देख रहे हैं क्या यहाँ पर ये एक्स वाला टर्म एक तरफ वाई वाला टर्म एक तरफ हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे सेपरेबल वेरिएबल, यानी कि हो गया तो अब क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या आएगा इसका इधर एलएचएस में इंटीग्रेशन और इसका आरएचएस में इंटीग्रेशन और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा साइड में हो जाएगा। अब ये बताइए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसके ऊपर में दिया गया है कितना होता तो टू एक्स है एक्स है तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई और यहाँ पर टू से डिवाइड। यही बात यहाँ पर भी है क्या करेंगे इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या टू वाई तो यहाँ पर टू कर देते हैं और यहाँ पर वन बाई टू से डिवाइड, ये माइनस तो रहेगा यहाँ पर वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वन बाई टू और लॉग जब नीचे का यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर क्या करते हैं लॉग लगा देते हैं तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आएगा माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में तो क्या आ जाएगा वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना सी। अब यहाँ से देखिए वन बाई टू कॉमन लेते हैं तो वन बाई टू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से आएगा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना सी। इस टू से हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ देखिए कौन सा लॉग ए प्लस लॉग बी फॉर्मूला कौन सा होता है तो फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी। तो इसका इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए ये टू जाके तो पहले मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना टू सी। इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या है ई है ठीक है क्योंकि कैलकुलस में बेस क्या रहता है ई। अब लॉग को जैसे ही हटाएंगे तो इससे ये टू सी क्या कर लेगा रिप्लेस तो क्या हो जाएगा ई का पावर टू सी इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या है ई भी कॉन्स्टेंट सी भी कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट का पावर भी कॉन्स्टेंट इसलिए ये भी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट। तो क्या आया वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एंड दिस इज एंसर। तो ये देखिए आप वेरिएबल सेपरेबल पर बेस्ट है उसका कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ट चार एग्जाम्पल आपको दो एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में दे दिए जाएंगे और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।